हर साल की तरह इस बार भी बाढ़ की विभीषिका का कहर आम जनता झेलने को तैयार है, लेकिन राज्य सरकार के तमाम विभाग साल भर सिर्फ योजना ही बनाते रहे। खासकर आपदा प्रबंधन विभाग की तैयारी बाढ़ वाले इलाके में नजर नहीं आ रही है। हालांकि मधुबनी के डीएम बाढ़ के जगहों का निरीक्षण तो कर रहे हैं, पर विभाग के इंतजाम नाकाफी हैं और कोसी के लोग बाढ़ के हालात में जीने को मजबूर हैं। घरों में भी आओ आदमी सब निकल ले घर से प्रशासन की भैया हो हटा लो आ
अगर बाढ़ आई है सर, ऐतिहासिक बाढ़ है सर, आपने इसका जायजा लिया है सर, क्या कहना चाहेंगे आप? नीचे कर दीजिए जल्दी बाबू, अभी सबसे पहले हमारी रिपोर्टर है जल्दी बाबू, मैं नीचे कर दीजिए। डोरवार वगैरह जो है जहाँ पे लोग अंदर में फंसे हुए उनको बाहर निकाल लेना, एसडीआरएफ की टीम यहाँ पे 45 मिनट के अंदर पहुँच जाएगी, तो उनका मेन काम वही रहेगा। सेकंड चीज जो है हमारे सर कंट्रोल डिवीजन के इंजीनियर, इरीगेशन के इंजीनियर यहाँ पे मौजूद है, जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ पे फ्लड फाइटिंग का यहाँ पे हमारा जो है कार्रवाई चल रहा है। साथ ही में जो है एसडीओ साहब जो है वो शेल्टर हाउस निर्मित जो हमारे वो है उसमें जो लोग शरण लेना चाहते हैं उनको वहाँ पे भेजेंगे, और हम जो है उनके खाने की व्यवस्था भी यहाँ पे करने जा रहे हैं जिनका यहाँ पे आश्रय। कितना देर में ये व्यवस्था हो जाएगी सर? ये व्यवस्था हम उम्मीद करते हैं कि 1.5 घंटे के अंदर जो है हम करने। सर बहुत सारा घर डूब गया, उसका जायजा आपने लिया है सर? देखा आपने नजर से सर आपने? पानी जैसे कम हो जाएगा जैसे कम जाएगा, लेकिन पंचनामा करेंगे, और जो हमारा क्षति अनुदान होता है उसके लिए भी जो है सर, जिनके घरों में बारिश